हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं अपने चेट प्लांट की कटिंग कर रही हूँ। उसकी मैंने थोड़ा कर ली थी पहले, बट मेरा कैमरा ऑन नहीं हुआ था। देखिए मेरे चेट प्लांट है, सारे बोन्स आई हैं, काफ़ी 5-6 महीने से इनकी मैंने कटिंग नहीं की थी। आजकल धूप तो बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं शायद आज ही इसमें कटिंग कर लेते हैं। थोड़ी सी इनके जो एक्स्ट्रा है, जो उनकी शेप बिगड़ रही है, दिख नहीं रहते, उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। वैसे तो मेरे पास जेट प्लांट बहुत हैं, मतलब हर मतलब गोल वाले में भी है, और ऐसे ट्रीज टाइप में बोनसाई ट्रीज बना रखे हैं मैंने काफ़ी सारे, लेकिन मैं आज सिर्फ इतने की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सिर्फ इतने ही उठाए हैं आज काम के लिए अपने। इसके नीचे जो खरपतवार है सब उखाड़ के निकाल के साफ़ कर रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा जो नीचे आ जाते हैं ना, उनको मैं कटिंग कर देती हूँ, ताकि जो ट्री जो उसका लुक है वो ट्रीज लुक लगे, बोन्साई लगे और अच्छा लगे। तो मैं देखिए इसको सारा नीचे का काट रही हूँ। ये सारे मेरे टेरेस गार्डन में हैं, आज मैं ही बैठी थी ग्रीन नेट के नीचे बैठ के काम कर रही हूँ, अदरवाइज़ तो पूरी छत में काम नहीं कर पा रहे हैं आजकल टेरेस गार्डन में, तो जा ही नहीं सकते। शाम को भी जा सकते हैं तो 6 बजे के बाद, जब धूप ख़त्म हो जाती है। जो भी एक्स्ट्रा निकले हैं, जो मुझे लग रहा है कि जो लटके वटके हैं, वो फिर यदि मैं इनको छोड़ दूँगी ना, तो ये लगेगा नहीं, इनका बोन्साई लुक नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा उसको बोन्साई लुक देने के लिए मैं इसकी कटिंग वगैरह कर रही हूँ। वो पहला था जो पीछे रखा है, ये दूसरा है। तो 4-5 ही महीने आज उठाए हैं काम के लिए। ज़्यादा धूप पड़ रही है, वैसे तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है जेट प्लांट को, लेकिन थोड़े से पीलापन आ ही जाता है धूप की वजह से, क्योंकि मैं इसको पानी डालती हूँ अच्छी तरह से। फिर भी इनके पत्तों में हल्का सा हो जाता है, थोड़ी बारिश होगी ना तो ये बहुत अच्छे लगेंगे, और उसको तब ग्रोथ भी और ग्रोथ करेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी मैं इनकी हल्की सी की, ये सही टाइम है इनका प्रूनिंग करने का, कटिंग करने का। सीजर नहीं चल पा रहा, मैं थोड़ा हाथ से भी तोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं इनको नहीं तोड़ूंगी तो ये पूरा का पूरा एक जो उसका लुक है ना, वो ख़राब हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा दिख भी रहा है कि बोन्साई एकदम है सुंदर सा, और देखिए एक और ये, मैंने आपको बताया कि मैंने ज़्यादा नहीं पकड़े आज, इतना ही कर पाऊँगी गर्मी की वजह से।
एक्स्ट्रा निकला है अलग से, इसको भी काट दिया। नहीं काटूंगी तो वैसे दो टहनियाँ तो बना ही रही है, मैं बना रखी है, फिर वो तीन चार बन जाती है, वो अजीब सा लगने लग जाता है। तो मैंने कुछ अपने बोनसाई बना के रखे हुए हैं, कुछ तो मेरे ऐसे ही हैं, काफ़ी लगे हुए हैं। जेट प्लांट टेरेस गार्डन में लगे हैं, मेरा बालकोनी गार्डन में भी लगे हैं जेट प्लांट। बालकोनी गार्डन में भी मेरे बोनसाई ट्रीज टाइप का बना के रखा है मैंने, अच्छे लगते हैं। इनकी ज़्यादा केयर भी करनी नहीं पड़ती कि बहुत ज़्यादा इनको केयर करनी है, संभाल के रखना है। हाँ ये होता है कि थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़े और इन पर पानी डले तो ये थोड़े से ख़राब भी हो जाते हैं इनके। जो अभी जैसे मेरे पास मेरे बालकोनी में, सेकंड फ्लोर के बालकोनी में मैंने कुछ रखे थे जेट प्लांट, तो वहाँ एसी की हवा से वो ख़राब हो गए। इतनी गर्म हवा पड़ी कि वो बेचारे सिर्फ उसमें तीन चार थे, चार में से एक बिल्कुल ही मर गया। डायरेक्ट उसमें हीट आई और वो देखा, उसमें भी काम करने वाले ने देखा नहीं कि वहाँ एसी की हवा चल रही, एसी की हवा उसमें जा रही है, ना वो पानी डाल पाया। अदरवाइज मेरे पास जो फर्स्ट फ्लोर में है वो तो मेरे बहुत अच्छे हैं। कितना लटक गए ना, दिख ही नहीं रहा। अभी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद देखना ये कैसे दिखेगा सुंदर से। जितने भी नीचे एक्स्ट्रा निकले सबको काट दूंगी। इसके बाद देखिए इसका लुक दिख रहा है ना कुछ, अब इसका कुछ लुक आया। लग रहा है ना स्मॉल ट्री, छोटा सा पेड़। छः सात महीने से कटिंग नहीं की थी तो पूरा का पूरा ही फैल गया था, पता ही नहीं लग रहा था क्या। और इसके रूट देखिए कितना मोटा हो गया ना इसका तना, इसकी वजह से ना जब हवा चलती ना तो ये गिर जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि इसका पॉट चेंज, जो जिसके रूट्स काफ़ी, जो स्टेम जो काफ़ी मोटा हो गया है उसका जो पॉट है उसको चेंज करके थोड़ा बड़े में लगा दूँ। ये सारे मेरे प्लास्टिक के उसमें लगे हुए हैं, देखिए कितना मोटा इसका तना है। ये मेरे टोपारी है, मैंने इसका वीडियो बनाया था और इसको भी चार महीने हो गए हैं, और चार महीने में देखे इसकी ग्रोथ क्या हो रही है, काफ़ी आ गई है। इसको मैंने किस तरीके से बनाया था ये मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं आज इनको भी थोड़ा ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल जो इसका गोलाई का शेप है ना उसमें काफ़ी सारे अंदर नीचे नीचे को गिरते रहते हैं, ऊपर को काफ़ी बढ़ गए हैं, तो लुक वाइज दिख नहीं रहा अच्छा सा। तो आज इसकी भी कटिंग कर रही हूँ। देखिए टेढ़े मेढ़े जहाँ से कहीं को लंबे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं नीचे के।
ये वाला थोड़ा मोटा है क्योंकि ऑलरेडी ये पहले लगा रखा था और एक ही साइड को उसको मैंने थोड़ा बैंड किया था। और इस साइड वाला मेरा थोड़ा पतला है जो उसका तना है, क्योंकि उसको मैंने अलग सेपरेट लगा के उसको तारों से दोनों को मैंने जॉइंट किया था। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और इस साइड वाला बुशी भी है, उसको ज़्यादा कटिंग करनी पड़ रही है। इधर की तना भी, इसका जो स्टेम है थोड़ा पतला है, धीरे धीरे करके हो जाएगा ये भी। अभी इसको 4 महीने ही हुए हैं। इस साइड वाला कितना बुशी है ना, घना सा है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना फैल चुका है और पुराना था ये मेरा। देखिए पूरा हो गया तैयार। अब मैं देखिए ये मेरे सारे तैयार हो गए हैं, इतना ही मैं कर पाई हूँ आज। इतना सुंदर लग रहा है, देखिए लग रहा है, अब दिख भी रहा है कि हाँ बोनसाई प्लांट है। बस फ्रेंड्स आज मैंने, मेरा वीडियो बनाने का यही एक पर्पस था कि मैंने आज बोनसाई की कटिंग की है सारी। और यदि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।